वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने समझा था कि यूवी रेस क्या होता है, ये कितने तरह की होती हैं और ये हमारे स्किन को कैसे नुकसान पहुंचाती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यूवी रेस से हम किस तरह से अपने स्किन को बचा सकते हैं। तो कैसे बचा सकते हैं? सनस्क्रीन लगा के। तो यही है आज का वीडियो कि सनस्क्रीन क्या होती है, कितने तरह की होती है, कैसे लगाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सनस्क्रीन को आप सनब्लॉक या सन क्रीम के नाम से भी जानते हैं। सनस्क्रीन हमारी स्किन को यूवी रेस से होने वाले नुकसानों से बचाती है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि यूवी रेस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिए, वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूवी रेस से हमारे स्किन को क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि सनस्क्रीन कितने तरह की होती है। पहली मिनरल सनस्क्रीन, इसे आप फिजिकल सनस्क्रीन भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है केमिकल सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में मौजूदा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूवी रेस को फिल्टर करके हमारी स्किन को यूवी रेस से होने वाले नुकसानों से बचाती है। तो ये दोनों ही तरह की सनस्क्रीन, मिनरल और केमिकल, डिफरेंट मैकेनिज्म पर वर्क करके हमारी स्किन को यूवी रेस से बचाती है। तो आइए अब समझते हैं डिटेल में कि ये कैसे वर्क करती है। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन या फिजिकल सनस्क्रीन। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन हमारी स्किन के सरफेस पे एक लेयर बनाती है, यानी कि एक फिजिकल बैरियर बनाती है, और जब यूवी रेस इस लेयर से टकराती है तो वो लेयर यूवी रेस का डायरेक्शन चेंज कर देती है और यूवी रेस को हमारी स्किन में पेनिट्रेट होने से रोक देती है। क्योंकि ये क्रीम एक लेयर या एक फिजिकल बैरियर बनाती है हमारे स्किन पे और यूवी रेस को पेनिट्रेट नहीं होने देती है, इसीलिए ये सनस्क्रीन यूवीए और यूवीबी दोनों ही तरह की रेस से हमारे स्किन को बचाती है। नेक्स्ट है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन हमारे स्किन में अब्सॉर्ब होके डीपर लेयर में जाके बैठ जाती है और ये यूवी रेस को भी अब्सॉर्ब कर लेती है और उसे हीट में कन्वर्ट करके हमारे स्किन से बाहर रिलीज कर देती है। तो आपने अब ये समझ लिया कि केमिकल बेस और मिनरल बेस किस मैकेनिज्म पे वर्क करके यूवी रेस से हमारे स्किन को बचाती है। अब हम ये समझते हैं कि मिनरल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन में क्या अंतर होता है। मिनरल सनस्क्रीन जब हम अपने स्किन पे लगाते हैं ना तो वो एक वाइट कास्ट, मतलब एक वाइट सी परत हमारे स्किन पर बना देती है, यानी कि वो अच्छे से ब्लेंडेबल नहीं होती है, वो इतनी थिक होती है कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं कर सकते हैं। वही केमिकल बेस्ड जो सनस्क्रीन होती है वो हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने स्किन पर कोई सनस्क्रीन लगाई है। मिनरल बेस्ड क्रीम क्योंकि अच्छे से ब्लेंडेबल नहीं होती है इसीलिए मेकअप के साथ बहुत अच्छा वर्क नहीं करती है, क्योंकि एक वाइट कास्ट छोड़ती है और फिर आप उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। वही केमिकल बेस्ड जो सनस्क्रीन होती है वो कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, वो स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, इसीलिए आप मेकअप के साथ इस क्रीम को अच्छे से यूज कर सकते हैं। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन आप डेली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक थिक लेयर बनाती है और एक वाइट कास्ट छोड़ती है। तो ऐसे लोग जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि स्पोर्ट्समैन हो, लाइफ गार्ड हो, आपने जनरली देखा भी होगा कि जो क्रिकेटर्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं वो एक थिक लेयर लगाए रहते हैं अपने फेस पे, एक वाइट कलर की क्रीम टाइप की, वो जो क्रीम होती है ना वो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन ही होती है। वही जो केमिकल सनस्क्रीन होती है वो स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है तो आप इसे डेली बेस पे यूज कर सकते हैं। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन लगाते ही एक्टिव हो जाती है तो आप इसे जैसे ही लगाए तुरंत आप सन में जा सकते हैं। वही केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन तुरंत एक्टिव नहीं होती है तो बाहर जाने से पहले 20 मिनट पहले इसे लगाना पड़ता है। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन एक थिक लेयर बनाती है इसलिए जल्दी हटती नहीं है, तो इसे बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। जब तक कि ये किसी कारण से, जैसे स्वेट से या किसी भी अन्य कारण से हट ना जाए तब तक इसे रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही केमिकल सनस्क्रीन को हमें हर 2 से 3 घंटे बाद रीअप्लाई करना पड़ता है। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन इनऑर्गेनिक होती है, वही केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन ऑर्गेनिक होती है।
मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। वहीं कुछ स्पेसिफिक स्किन पे ये इरिटेशन कर सकती है। मान लीजिए आपकी स्किन कहीं से कटी हो या फटी हो तो ये थोड़ा बहुत आपको इरिटेशन दे सकती है। वहीं केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन ऑल स्किन टाइप होती है। मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन हमारे स्किन के टॉप लेयर पर एक फिजिकल बैरियर बनाती है, वहीं केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। यहाँ पे एक बात आप और समझ लीजिए कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन एक वाइट कास्ट छोड़ती है, लेकिन आजकल मिनरल बेस्ड ऐसी बहुत सारी क्रीम आ चुकी है मार्केट में जो बहुत इजीली ब्लेंडेबल भी होती है और बहुत लेस वाइट कास्ट आपके स्किन पर छोड़ती है। अब हम ये समझते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमारी सनस्क्रीन मिनरल बेस्ड है या केमिकल बेस्ड है। अगर आपके सनस्क्रीन के इंग्रीडियंट्स में जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डी ऑक्साइड है या दोनों ही है तो आपकी क्रीम एक मिनरल सनस्क्रीन है, और अगर आपकी क्रीम में ये दोनों ही इंग्रेडिएंट नहीं है तो आपकी क्रीम एक केमिकल सनस्क्रीन है। केमिकल सनस्क्रीन को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं अगर आपकी सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट में एवोबेंजॉन ऑक्सीबेंजॉन जैसे इंग्रेडिएंट हैं तो वो एक केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन के बॉटल पे जो SPF PA+ बोर्ड स्पेक्ट्रम जैसे वर्ड लिखे रहते हैं उनसे ये पता चलता है कि वो सनस्क्रीन हमारे स्किन को किस परसेंटेज तक यूवी रेस से बचाएगी। तो ये क्या होता है SPF PA+ बोर्ड स्पेक्ट्रम, इन सभी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम चूज करें अपने लिए एक अच्छी सनस्क्रीन। उसके लिए समझना होगा हमें SPF PA+ और बोर्ड स्पेक्ट्रम रेटिंग को। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो से नॉलेज ले सकें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।